नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी के एक होटल में संयुक्त व्यापारी संघर्ष समिति के बैनर तले व्यापारियों ने प्रेस वार्ता की और सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर कई सवाल खड़े करे। व्यापारियों ने कहा कि उनके आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा एक मीटर छोड़े जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन अधिकारी इसमें हमें गुमराह कर रहे हैं कि 11-11 मीटर की जगह दोनों जगह एक मीटर ही छोड़ा जाएगा, यानी 11.5 मीटर तक सड़क के लिए लिया जाएगा, जिसका व्यापारी विरोध करते हैं और वो इससे सहमत नहीं है। इसके अलावा व्यापारियों ने जिलाधिकारी पर उन्हें आज तक समय नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और जिलाधिकारी ने कहा कि वह उन्हें वार्ता के लिए बुलाएंगी, लेकिन आज तक किसी भी व्यापारी को जिलाधिकारी द्वारा वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, न ही उनकी बात सुनी गई और हर बार वार्ता में किसी दूसरे अधिकारी को भेजा गया। रोज अतिक्रमण को लेकर कहीं ना कहीं आप लोग को अतिक्रमणकारी भी कहा जा रहा है। इससे पहले अतिक्रमणकारी नहीं थे आप लोग, और क्या आपकी आज जो प्रेस लगी है, क्या इसका मुख्य कारण है? मान्यवर, बहुत दुख हो रहा है सुन के अतिक्रमणकारी। हम वो लोग हैं जिनके टैक्सों सरकार चलती है, उस स्थिति में भी हमें अतिक्रमणकारी की संज्ञा दी जा रही है। मैंने एक दिन एक अधिकारी से क्वेश्चन किया था, हमें बताया गया कि हमने सरकारी संपत्ति तोड़ दी, हमने अपनी संपत्ति तोड़ दी। अरे मैंने कहा आपकी संपत्ति है हम मानते हैं, योगदान तो हमारा भी है कि हम टैक्स नहीं देते। हम टैक्स देते हैं। हमारी आज का मुख्य बिंदु पता क्या है? आज का मुख्य बिंदु यह है, 2017 में इस सड़क को अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का दर्जा दिया गया था। ये राज्यपाल के शासनादेश हैं। उसमें एक बात साफ ये है कि 500 मीटर लेफ्ट और 500 मीटर राइट में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती। 500 मीटर लेफ्ट और 500 मीटर राइट में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती, जबकि शराब की दुकान ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसको समाज की दृष्टि में बहुत गलत माना गया है। गलत काम के लिए सरकार और शासन प्रशासन नियम चेंज कर सकता है। तो उन सैकड़ों, हम तो कह रहे हैं हम नियम चेंज मत करो, उन सैकड़ों व्यवसायी को उसी नियम के अंतर्गत आके आप कार्रवाई कीजिए। 7.5 मीटर की हम कहीं मना नहीं कर रहे, हम तो चाहते रोड बने। अध्यक्ष बताएगी आपसे बदहाल दिखेंगी। इसके लिए एक बोल्ड स्टेप की जरूरत है, रिंग रोड की जरूरत है, ISBT की जरूरत है और बाईपास को सुचारू करने की जरूरत है, तब यहाँ का वो जो यातायात बाधित नहीं होगा। आपका आखिरी स्टेप क्या होगा? हम तो देखो हमने DM साहब से टाइम मांग रहे लगातार, उनसे टाइम मिल गया, तो हम तो देखो वो राजा हैं, हम प्रजा हैं। हमारा काम है रिक्वेस्ट करना, उनका काम है हमारी बातों को समझना और सरकार तक पहुंचाना और हमें राहत देना। देखो हम अपने राजा से, हम अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम इनके पास नहीं जाएंगे तो हम किसके पास जाइए बता दें हमें। अभी मैं योगेश शर्मा, अध्यक्ष व्यापार मंडल हल्द्वानी। एक एक मीटर नाकाफी है और मैं इससे, हमारा संगठन, मैं इस पर पूर्ण रूप से असहमत हूँ। एक एक मीटर कुछ नहीं होता, उसके बाद भी एक विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आ रहा है कि एक एक मीटर, लेकिन संबंधित अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं आधा आधा मीटर है। पहले तो इसी बात पे विरोधाभास है, अधिकारियों से बात करके देखिए वो कहते हैं आधा आधा मीटर है। हमें साफ बताया जा रहा है कि आधा आधा मीटर है। मुख्यमंत्री के यहाँ से आ रहा है 11-11 मीटर, ये कह रहे नहीं आधा आधा मीटर है। तो एक तो इस बात पर आपत्ति है। दूसरी आपत्ति है कि प्रशासन अपना काम करे, अपने जो व्यवस्था ट्रैफिक के लिए उसके लिए काम नहीं किया। और हमें नाराजगी इस बात की कि जिलाधिकारी जी से हमें एक बार समय नहीं मिला। कल हालांकि हमें समय नहीं मिला है, कल हम DM साहब के ऑफिस जाएंगे और हम वार्ता करेंगे और हम वहाँ जाएंगे, चाहे हमें समय अभी नहीं मिला लेकिन हम जाएंगे वहाँ पर और अपनी बात रखेंगे। अभी तक जो मुख्य अथॉरिटी है जिलाधिकारी जी ने, उन्होंने एक बार भी हमसे बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। विपिन गुप्ता, जिलाध्यक्ष, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल। क्या उद्देश्य था? देखिए पहले तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि यदि DM वो मुख्यमंत्री जी ने एक एक मीटर की छूट दी है तो वो व्यापारियों के आंदोलन को देख के ही दी है। दूसरा देखिए, हमारा जो आज की ये PC का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय इन व्यापारियों के साथ क्यों नहीं बात करना चाहती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब हम लोग लगातार उनसे संपर्क साध रहे हैं, हमारी जिस दिन मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी उस दिन जिलाधिकारी जी से भी हेलीपैड पर वार्ता हुई थी, उनने कहा था कि बृहस्पतिवार के दिन आप समय देंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी से कहा था कि आप मुझसे संपर्क बनाइएगा, मैं आपको समय दूंगा और आपकी बात सुनूंगी। तो जितनी बार भी इन व्यापारियों की वार्ता हुई है, पीड़ित व्यापारियों की, वो अन्य अधिकारी से हुई है, जिलाधिकारी महोदय क्यों सामने नहीं आना चाहती, एक बात। दूसरी बात, सड़क का मानक, देखिए हमें ये प्रशासन बताए कि ये सड़क
स्टेट हाईवे है, जिला सड़क है या नेशनल हाईवे है। या और जो अभी तक सुनाई दे रहा है, सुनाई क्या दे रहा है, जिस जिला सड़क के मानक से इन्होंने शराब की दुकानें यहाँ लगाई हैं उस हिसाब से ये जिला सड़क है। और जिला सड़क में न्यूनतम आप 9 मीटर के दो एक एक तरफ ले सकते हैं, तो 9 मीटर में हमारा व्यापार भी बच जा रहा है और शहर भी सौंदर्यीकरण हो जा रहा है। तो ये मानक क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, क्यों व्यापारी को भ्रमित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है? तो हमारा साफ कहना है कि हम पहले जिलाधिकारी महोदया से ये पीड़ित व्यापारियों की वार्ता करेंगे, जो भी बात होगी आमने सामने रखेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति जो भी होगी वो बनाएंगे। आपका कहना है कि हम लोग की बातें सुनी जा रही है, मुख्यमंत्री डर गए उसी को लेकर, उन्होंने जो एक एक मीटर का आपको नहीं डर गए नहीं देखिए डर डर डरने की बात नहीं। हाँ, जहाँ मुख्यमंत्री की वाहवाही कर रहे हैं दूसरी तरफ उनका विरोध कर रहे हैं, उसके लिए क्या नहीं विरोध, देखिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा कहना है कि भाई इन व्यापारियों की बातों को ढंग से सुना जाए। और वो जिलाधिकारी ही, अन्य अधिकारी नहीं, जिलाधिकारी जिले की मालिक होती हैं, वो सुनेंगी, इनकी पीड़ाओं को समझेंगी और वही व्याख्यान मुख्यमंत्री जी तक जाएगा और तब जो है हमें सही राह मिलेगी, सही फैसला मिलेगा। जो वर्तमान में एक एक मीटर वाला मामला है उससे हम संतुष्ट नहीं है। और ये जो प्रशासन है ये इन व्यापारियों को डराने के लिए और उसे आधा आधा मीटर कह रहा है कि एक मीटर टोटल कह रहा है, जबकि उनकी वॉल फेसबुक वॉल में साफ शब्दों में एक 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 वन कॉमा वन करके डैश कॉमा वन आया है। हर्षवर्धन पांडे, जिला महामंत्री। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।